मेरे प्यारे बच्चों, आज जो विषय हमने लिया है विज्ञान से, वो विषय हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है और इंटरमीडिएट क्लास के विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, हमने आज का टॉपिक लिया है पीएच स्केल या पीएच पैमाना तथा पीएच पर आधारित सवाल। ये पीएच पर आधारित सवाल हाई स्कूल में भी पूछा जाता है और इंटरमीडिएट में भी पूछा जाता है। तो इसे ध्यान से देखिए और समझिए, परीक्षा में 100% हर बार आता है ये। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा इसमें कि पीएच होता क्या चीज है। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए एक बीकर में आपने थोड़ा पानी लिया है, तो इस बीकर में अगर हम कोई अम्ल घोल देते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल घोल दिया, या फिर कोई क्षार अगर हमने घोल दिया, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने घोल दिया, तो देखिए क्या होता है। जब हम कोई अम्ल घोलेंगे तो देखिए, अम्ल में से हाइड्रोजन आयन निकलेगा जो जल में घुल जाएगा, और कोई क्षार अगर हम घोलेंगे तो क्षार में से हाइड्रोक्साइड आयन निकलता है और वो जल में घुल जाता है। तो ये हाइड्रोजन आयन अम्ल से और हाइड्रोक्साइड आयन क्षार से निकलकर जल में घुलता है। लेकिन ध्यान दीजिए, यहां पहले से पानी बैठा हुआ है, जल, तो जल में भी हमारा हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन पहले से भी पाया जाता है। तो जो पीएच मान निकाला जाता है, नहीं, पीएच वैल्यू जो निकाला जाता है, वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को देखा जाता है। कहने का मतलब, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है, कितना ज्यादा उसमें है, उसी के अनुसार पीएच निकाला जाता है। तो देखिए, पीएच हम कहेंगे किसे? तो मान लीजिए किसी विलयन में पीएच निकालने के लिए हमें हाइड्रोजन आयन देखना पड़ रहा है, तो हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होगी, इसकी सांद्रता का हम लघुगणक मान निकाल लें और फिर इसका ऋणात्मक मान हम निकाल लें, तो जो भी गिनती आएगी 1, 2, 3, 4, 5, उसको हम कहेंगे पीएच वैल्यू या पीएच मान उसको कहते हैं। कहने का मतलब, परिभाषा में हम क्या लिखेंगे पीएच को? किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक के ऋणात्मक मान को पीएच मान कहते हैं। तो ये पीएच मान समझ गए। अब यहीं पर हम आप लोगों को पीओएच मान भी बता दें। तो देखिए, जैसे हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है, इसके सांद्रता से हम पीएच मान निकालते हैं, लेकिन ये जो हाइड्रोक्साइड आयन की जो सांद्रता होती है, इसके द्वारा हम पीओएच का मान निकालते हैं। तो देखिए कैसे परिभाषा में लिखेंगे। मान लीजिए हाइड्रोक्साइड आयन की ये सांद्रता है, तो इसका हम लघुगणक मान निकाल लें और इसके बाद इसका ऋणात्मक मान कर दें, तो जो भी मान आएगा उसको हम पी ओ एच वैल्यू कहते हैं या पी ओ एच मान कहते हैं। तो ये आपने पी एच मान और पी ओ एच मान जान लिया किसे कहते हैं। और देखिए, पीएच और पीओएच में क्या संबंध होता है ये भी जान लीजिए, क्योंकि संबंध के द्वारा हम सवाल लगाते हैं।
तो संबंध क्या होता है? देखिए, पीएच प्लस पीओएच बराबर 14, यानी पीएच मान और पीओएच मान दोनों को जोड़ा जाएगा तो हमेशा इसका मान 14 आएगा। इसको ध्यान में रखिएगा, इसी पर सवाल लगता है। तो ये पीएच क्या है, पीओएच क्या है, आप लोग जान गए हैं। अब हम लोग जो है किसी विलयन का पीएच मान निकालना सीखेंगे, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब पहले सवाल की ओर हम चलते हैं। तो देखिए, किसी भी विलयन का पीएच मान निकालने के लिए सबसे पहले तो आप सभी लोगों को कुछ गिनतियों का लघुगणक मान याद रखना पड़ेगा। जैसे यहां पर देखिए, हमने एक लिस्ट दिया है कुछ गिनतियों का लघुगणक मान के लिए, तो ये आपको याद होना चाहिए लघुगणक मान, तभी आगे सवाल हम लगा पाएंगे। तो देखिए, यहां पर पहला सवाल आपके सामने दिया गया है, किसी विलयन में देखिए प्रश्न दिया गया है 0.001 mm HCl विलयन का पीएच मान ज्ञात करो। तो देखिए सवाल कैसे लगेगा, तो देखिए हमें दिया क्या है, यहां पर HCl दिया है यानी अम्ल दिया गया है, तो जो भी सांद्रता है वो सांद्रता हम मानेंगे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया गया है, यानी H प्लस कितना दिया गया है 0.001। तो हम यहां पर सूत्र लगा देंगे पीएच वैल्यू निकालने के लिए, यानी पीएच बराबर माइनस लॉग ब्रैकेट में H प्लस। अब ये H प्लस का मान यहां पर हम रख देंगे, यानी पीएच बराबर माइनस लॉग 0.001। अब देखिए, ये हमारा दशमलव संख्या है, इसको हम भिन्न में बदल लेंगे तो सवाल लगाना आसान हो जाएगा। तो पीएच बराबर माइनस लॉग 1/1000, ये दशमलव संख्या को हमने भिन्न में बदल लिया। अब देखिए, पीएच बराबर माइनस लॉग, अब यहां पर देखिए ये हमारा 1/1000 है, इसको तोड़ दे रहे हैं हम लघुगणक के नियम से, तो क्या हो जाएगा, लॉग 1 - log 1000। अब देखिए, लिस्ट जो दिया गया है वहां से हम लॉग 1 का मान और लॉग 1000 का मान यहां पर रख देंगे, तो पीएच बराबर माइनस लॉग 1 का मान 0 रख दिया और लॉग 1000 का मान 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब पीएच बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 3। तो यहां पर पीएच मान कितना आ गया, 3 आ गया। इसे नोट कर लीजिए, तभी अगले सवाल पर हम चलते हैं। अब देखिए, यहां पर अगला सवाल है 0.01 mm NaOH विलयन का पीएच मान ज्ञात करो। तो अभी अभी हमने जो सवाल दिया था इसके पहले वो अम्ल था, लेकिन यहां क्या है, NaOH यानी क्षार है, तो हम क्षार का कैसे निकालेंगे पीएच मान, तो देखिए कैसे लगाना है, ध्यान से देखिए। तो ये जब क्षार है तो यहां पर जो सांद्रता दिया गया है वो समझिए कि OH माइनस की सांद्रता दिया गया है, यानी OH माइनस बराबर 0.01 दिया गया है। तो क्षार के लिए पहले हमें POH निकालना पड़ता है,
बाद में पीएच निकलता है। तो देखिए पहले हम पीओएच निकालेंगे इसका, यानी पीओएच बराबर माइनस लॉग ब्रैकेट में ओएच माइनस। तो देखिए पीओएच बराबर माइनस लॉग 0.01। अब यहाँ इसको भी हम भिन्न में बदल लेंगे, यानी पीओएच बराबर माइनस लॉग 1/100। अब यहाँ भी इसको हम लघुगणक के नियम से हम तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग 1 - लॉग 100। अब यहाँ पर हम लिस्ट से लॉग 1 और लॉग 100 का मान रख देंगे तो पी ओ एच बराबर कितना आ गया माइनस, अब यहाँ मान रख दीजिए लॉग 1 का मान 0, लॉग 100 का मान 2, यानी यहाँ पर पी ओ एच का मान आ गया 2। पी ओ एच का मान आया 2, लेकिन हमें निकालना क्या है पी एच। तो आगे देखो कैसे पी एच निकलेगा, इसको पहले नोट कर लीजिए। तो इस विलयन का पीओएच आया है 2, लेकिन हमें निकालना है पीओएच। तो देखिए कौन सा सूत्र हम प्रयोग करेंगे, अभी अभी जो हमने लिखाया था वही सूत्र प्रयोग करेंगे, पीएच प्लस पीओएच बराबर 14, यही सूत्र हम प्रयोग करेंगे। हमें पीएच निकालना है और पीओएच निकाल चुके हैं कितना 2 बराबर 14। तो यहाँ पर पी एच बराबर हो जाएगा 14 - 2, यानी पी एच बराबर 12।